सदन के माध्यम से केंद्रीय वस्त्र मंत्री जी का ध्यान कपास की खरीदी के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में चालू कपास सीजन 2019-2020 के लिए लंबे रेश वाले कपास का एमएसपी 5,550 रुपए प्रति क्विंटल और मध्यम रेश के कपास का 5,255 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों के लिए सफेद सोना कहने वाली फसल कपास इस बार उनके लिए सफेद सोना सफेद नहीं होने जा रही है, क्योंकि देश में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र बड़े पैमाने पर खरीदी शुरू न करने के कारण किसान सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव 4,500 प्रति क्विंटल कपास की बेचने की मजबूर है, जिससे किसान के प्रति क्विंटल 1,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। विश्व में कपास की मंदी के कारण कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 20 लाख गठान खरीदी करने का लक्ष्य है, इसे बढ़ाकर 1 करोड़ गठान खरीदी की जाए, जिससे हमें भाव की मिले और खुले मार्केट में भी किसानों का सभी भाव के ऊपर दाम मिलेगा। आज महाराष्ट्र राज्य में बहुतांश जगहों पर ज्यादा बारिश होने के किसानों का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने से केंद्र सरकार के मदद की अपेक्षा है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र द्वारा कपास खरीदी करते समय कपास की आर्द्रता की सीमा 8 से 12 तक है। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति देखते हुए 15 करने की आवश्यकता है। अंत आपसे सदन के माध्यम से केंद्रीय वस्त्र मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त सभी समस्याओं पर अपने स्तर पर विचार कर शीघ्र समस्या का निदान करने की कष्ट करें।